नॉट दिल्ली, पढ़ने पढ़ने तो आप आए नहीं है। हाय गाइस, सो दिस इज श्वेता, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं अपनी क्लास के बच्चों से मिलने, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और बहुत मजा आने वाला है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं ना जूते पहन के आई हूँ और ना कुछ, तो जल्दी चलते हैं। सो अभी हमें अभी बहुत जल्दी When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. And my cup popping, popping, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पर। अब हम यहाँ से एग्जिट लेंगे, और बहुत सारे गेट बंद थे तो एक ही गेट खुला हुआ था, हमको वहीं से एग्जिट लेना पड़ रहा था। यहाँ पे इन लोगों ने जितने भी वॉलेट लाइन पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, उनको लगा रखा था, और काफ़ी अच्छा था ये वॉलेट लाइन के लिए। तो आते वक्त मैं सोच के आई थी कि हम चोर बाज़ार जाएंगे, बट आज जुम्मा था, शुक्रवार, तो यहाँ पे कोई भी बाज़ार नहीं लगा हुआ था। और आए भी हम 12-1 बजे के टाइम पे थे, तो मेरे ख्याल से पुलिस वालों ने सबको हटा दिया होगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, बट इनका प्राइस एकदम नॉर्मल मार्केट जैसा था, जैसे मंगल बाज़ार का होता है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से लो या ना लो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। सो यहाँ से सीधा जाते जाते हम जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर पहुँचते हैं। तो अंदर जाते हुए सबसे पहले ये आता है बड़ा सा मीनार, और सीधा अंदर हमें यहाँ पे जूते चप्पल हाथ में लेके जाने होते हैं, क्योंकि पहले बाहर अलाउड होता था रखना, बट अब अलाउड नहीं है, अब जूते चप्पल हाथ में रखने होते हैं। इस मस्जिद में टोटल 3 गेट दिए गए हुए हैं। इसमें एक बार में 25,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी जैसा सेम देखने वाला मस्जिद लाहौर में बनवाया गया था, जो कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसका नाम बादशाही मस्जिद है। इसका कंस्ट्रक्शन कुल 5,000 से ज़्यादा मजदूरों ने किया था, और पहले इसका नाम मस्जिद ए जहां नुमा था। अब हमने एग्जिट गेट नंबर 1 से ली थी, अब हम जाएंगे नई सड़क पे, जो कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा फेमस बुक मार्केट है। रास्ते में चलते चलते आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जिनमें थोक का माल मिलता है, और जो कि बहुत सस्ता मिल जाता है क्योंकि आप बहुत सारे इकट्ठा लेते हैं। तो अब हम नई सड़क की साइड जा रहे हैं, तो ये जामा मस्जिद के जस्ट पीछे की साइड है। तो इस पूरी लाइन में कुछ ना कुछ शॉप्स हैं और जिनमें थोक का सामान मिलता है। अब यहाँ से नई सड़क स्टार्ट हो जाती है, यहाँ का काफ़ी माल एक्सपोर्ट भी होता है बाहर, और यहाँ पे इतना भीड़ होता है, इतना रश होता है, क्योंकि ये दिल्ली है, तो यहाँ पे कोई सी भी सिचुएशन हो तो यहाँ पे रश तो होगा ही होगा। अगर आपको स्पेशल नई सड़क पे जाना है तो आप चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन पे भी उतर सकते हैं। चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, सब पास पास में ही मेट्रो स्टेशन है, तो आपको जिस पे भी कन्वीनियंट लगे आप उस पे उतर सकते हैं। और चांदनी बाज़ार में भी बहुत अच्छे अच्छे लहंगे सूट वगैरह मिलते हैं, बट यहाँ पे नई सड़क में भी काफ़ी अच्छे अच्छे लहंगे की वैरायटीज़ देखने को मिल रही थी, काफ़ी सुंदर। और वहाँ पे शॉप्स पे अभी भी बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, क्योंकि इनका मटेरियल वगैरह भी बहुत अच्छा था, और ये काफ़ी कम दाम पे भी मिलते हैं, क्योंकि चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग आप इस साइड भी लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे न्यू के साथ साथ सेकेंड हैंड बुक्स भी मिलती हैं, जो कि और भी कम प्राइस पे अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी बुक की प्राइस मिलेगी वो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाली है। आप देख सकते हैं हर तरफ किताब ही किताब रखी हुई है, और बहुत बड़ी शॉप है इनकी।
और अगर पहली बार आप जा रहे हैं वहाँ पे और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शॉप नहीं मिलने वाली है, तो वहाँ पे कदम कदम पे बुक्स की शॉप्स हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सस्ती से सस्ती बुक्स वहाँ मिल जाएंगी, NCERT हर ऑथर की बुक ईज़िली अवेलेबल होती है यहाँ पे। आप पहले एक दो शॉप्स पे पता कर लीजिएगा कि कौन सी पे आपको सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे एक बुक पे मिल जाती है, और आप अगर आपको थोक पे लेनी है तो आपको थोक पे भी अवेलेबल होती हैं हर चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कमेंट योर फेवरेट पार्ट। थैंक यू।